हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज सिंह जीनियस क्लब में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि अभी अभी बीएसएफ ने अपना वैकेंसी रिलीज किया है, तो आइए जानते हैं कि कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है और कौन इसे भर सकते हैं, क्या इसका क्राइटेरिया है। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसके बारे में जानेंगे, आइए देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जो कि बीएसएफ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अधीन आता है, ओके। इसमें जो है वैकेंसी निकला कितना है, 2651 वैकेंसी इन मेल के लिए निकला है, मतलब कि लड़कों के लिए है, और 137 जो है ये लड़कियों के लिए वैकेंसी रिलीज हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है, क्या फीस लगेगा आपका भरने का फॉर्म, कितना पेमेंट मिलेगा, इस सब हम लोग बारी बारी से जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखिए, ये आपका दे दिया है क्या, कौन से कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ इतना कुछ दिया हुआ है। अब देखते रहिए, यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट, जो पोस्ट दिया हुआ है इसमें उसमें आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो सारे पोस्ट जो है वो क्या है, कॉन्स्टेबल के लिए है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ दिया हुआ क्या, फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट आर लाइबल टू बी पोस्टेड एनी वेयर इन द कंट्री, मतलब कि जब आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका, तो आप ये नहीं बोल सकते कि हम बंगाल में रहेंगे, हम बिहार में रहेंगे, नहीं, बीएसएफ जहाँ जाएगी आपको वहाँ पर उसको पोस्ट करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। और क्या क्या लगेगा, आईडी कार्ड, ये सब आपको यहाँ दिया हुआ है, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ दिया हुआ एग्जामिनेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट। दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनेशन फी मात्र 100 रुपया लग रहा है, किसका किसका, अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल हो, EWS और OBC कैटेगरी के लोग को 100 रुपया लग रहा है, बाकी जो लोग बच गए उनका फ्री में हो रहा है, ये जान लीजिएगा। ठीक है, तो क्या मेथड क्या है, कैसे हम पेमेंट करेंगे, तो नेट बैंकिंग है, क्रेडिट डेबिट कार्ड से हो सकता है, और नियरेस्ट अथोराइज्ड कॉमन सर्विस सेंटर, मतलब कि CSC एकेडमी, जो कि मेरा भी हम लोग का एकेडमी क्या है, CSC एकेडमी है, तो यू कैन आल्सो फिल अप द फॉर्म इन आवर CSC सेंटर। ठीक है, तो यहाँ भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए, वोमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, बीएसएफ सर्विंग पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे हम पहले बोल चुके हैं कि सिर्फ जनरल OBC EWS जो है उनका ही 100 रुपया लगेगा, बाकी लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि क्या है यार, आगे खाली फॉर्म भरना है, फोटो लगेगा बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं नेक्स्ट क्या दिया, रिक्रूटमेंट एजेंसी कौन कहाँ कहाँ, मतलब कौन कौन इसको रिक्रूट कर रहा है। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में आप जान सकते हैं इसको, फिर हिमाचल प्रदेश देख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर लगभग हर स्टेट में आप एग्जाम जाकर दे सकते हैं, किसका, बीएसएफ का। इसलिए चल क्या रहा है, कोरोना, तो कोरोना काल में आप जिस स्टेट में है वहीं फॉर्म फिलअप कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बंगाल में है, बंगाल में एग्जाम दे रहे हैं, आप जब बंगाल में ही होगी, जॉब तो कहीं भी सकती है, लेकिन एग्जाम अपने नियरेस्ट स्टेट जहाँ अभी आप हैं वहीं दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब क्या है एलिजिबिलिटी, मतलब कौन से लोग हैं जो एग्जाम दे पाएंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, मैट्रिक यानी कि 10th पास होना कंपलसरी है, या फिर ये देखिए 1, 2 और 3 दिया हुआ है, इस तीन में से कोई एक होना कंपलसरी है, 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड्स। आगे जाके देखेंगे हम लोग एक ट्रेड चुनना है कि सफाई करना है, मालिक का काम करना है, सब तो उसमें से आपको किसी न किसी में एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और 2 ईयर्स डिप्लोमा फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इस सब में से कोई, तीनों में से कोई एक अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। चलिए देखते हैं आगे, एजुकेशन सर्टिफिकेट अदर देन स्टेट बोर्ड सेंट्रल बोर्ड शुड बी अकाउंटेंट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू किया है उसमें से कोई भी सर्टिफिकेट इस तीनों के लिए आप लेके आ सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे, और एज देखिए दोस्तों, एज क्या है, 18 से 23, किसके लिए है, ये जनरल लोग के लिए है, सिर्फ जनरल और EWS जो है ना, जनरल लोग के लिए क्या है, 18 से 23। OBC जो आएंगे, जो OBC वाले हैं उनके लिए क्या है दोस्तों, तो OBC के लिए क्या, 3 साल जोड़ दीजिए इसमें, मतलब कि 26 ईयर तक भर सकते हैं, और जो उसके नीचे आ गए SC ST वाले जो हो गए तो उनके लिए +5, मतलब कि 23 + 5 28 ईयर तक
ये वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से बोल रहे हैं, 18 से 23 फॉर जनरल, 23+3 OBC और 23+5 SC ST जो है उनके लिए है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक कैटेगरी दिया हुआ है, वही दिया हुआ है जो हम बता चुके पहले आप लोगों को। ठीक है, एक बार डिटेल पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट फिजिकल स्टैंडर्ड्स, जो कि सबसे मेन, अगर आप फोर्स में जा रहे हैं, फौज में जा रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि मेल के लिए क्या फिजिकल और क्या है फीमेल के लिए। तो मेल के लिए देखिए क्या है, हाइट 162.5 किसके लिए है, ST ST है उनके लिए। ठीक है, 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए किसका, मेल का, और उनका चेस्ट क्या होना चाहिए, 76 से 81 सेंटीमीटर तक चेस्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर जो मेन बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ घरवाल्स या नाम दिया हुआ है, यहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका 165 सेंटीमीटर ध्यान दीजिएगा, और ऑल अदर स्टेट के लिए क्या है, 167.5। मतलब कि जिस स्टेट का नाम यहाँ पर दिया हुआ है इसमें, उनके लिए इतना है, 165 सेंटीमीटर का उनका क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, और 78 से 83 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। लेकिन इसको छोड़ के जो बच गए हैं, उनके लिए 167.5 सेंटीमीटर हाइट और 78 से 83 इस चेस्ट का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे लड़कियों की, जो कि यहाँ जाने इच्छुक हैं, उनका क्या है, उनका हाइट देखिए 150 सेंटीमीटर है, कहाँ, SC ST वाले हैं उनके लिए। चेस्ट के लिए कोई मेजरमेंट नहीं है, पतले हो मोटी हो मतलब नहीं है, हाइट मैटर करता है। ठीक है, वोमेन बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, मतलब लाइक दैट, ये दो नंबर था वैसे ये, कि इस जगह से बिलोंग करती है तो वहाँ उनका हाइट 155 सेंटीमीटर होना कंपलसरी है, यहाँ भी उनका चेस्ट मार्क नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो बच गए, मतलब कि बिहार UP जो होते हैं ना, सबके लिए ये 157 सेंटीमीटर उस लड़की का हाइट होना कंपलसरी है, यहाँ उनका भी चेस्ट मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो बस हो गया दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका मेन क्या फिजिकल स्टैंडर्ड, अगर ये आपके पास है तो ही भरने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। चलिए आगे देखते हैं, आगे है कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा। तो भाई देखो, यहाँ पर क्या होगा, आँख का होता है मेन, किसका, आँख का, बेटर आई क्या दिया है, 6x6, और वर्थ क्या दिया है, 6x9, माने इससे जहाँ कम हुआ, 6x9 से जहाँ कम हुआ, तो आप भूल जाइए कि उधर आपका होगा, मेडिकल में फट जाइएगा और कहानी खत्म। ठीक है, तो आप आराम से पढ़ लीजिएगा क्या क्या कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, कलर विजन जो है सब कुछ नहीं होना चाहिए, वहाँ का चेकिंग होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया कि कैसे आपका होगा सिलेक्शन, तो फर्स्ट फेज अब जब होगा, ठीक है, फर्स्ट फेज में क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या क्या हो दिख रहा है कि 5 किलो मेल जो है, लड़के लोग जो है 5 किलो सामान लेकर के 24 मिनट तक दौड़ना है, मतलब कि लगभग आधा घंटा आपको 5 किलो सामान आपके पीठ पे बांध दिया जाएगा, उसको लेकर दौड़ना है, और हमारी जो फीमेल होंगी उनको 1.6 किलोमीटर सामान लेकर के 8.5 मिनट तक दौड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो लड़कों के लिए क्या है कि 5 किलो सामान पीठ पर बांधा जाएगा, वेट रहेगा, जो कि 24 मिनट तक कंटिन्यू लेकर रन करना है, यानी कि एक रेस होगा, रन क्या करना है, रेस करना है, और लड़की लोग के लिए 1.6 किलोमीटर होगा और 8.5 मिनट में पूरा करना है, मतलब कि एक लड़का जो है 5 किलोमीटर दौड़ेगा कितना देर में, 24 मिनट में, और लड़की दौड़ेगी कितना, 1.6 किलोमीटर 8.3 माने कि 8.5 मिनट, ये टाइम दिया हुआ है, और आगे आप देख रहे तो दिया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रेड टेस्ट दिया हुआ है, जो कि बताया था ना कि सर्टिफिकेट, हम बात कैसे पा रहे कि सर्टिफिकेट लगेगा, तो ये देखिए ट्रेड दिया है, कोबलर, टेलर, कुक, वाटर केयर, वाशरमैन, बार्बर नाउ होता है जिसे, स्वीपर, कारपेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राफ्टमैन, वेटर, मेल, ये सब जो लोग हैं, इस सब का दिया कि स्किल क्या होना चाहिए उनका, और इसका सर्टिफिकेट आपका जरूरी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकेंड फेज में क्या होगा, रिटर्न एग्जाम, जो कि 100 नंबर का होगा दोस्तों, ये होगा 100 नंबर का। अब जानते हैं कि इसमें 100 मार्क्स में देखिए क्वालिफाई मार्क्स कितना है, 35% फॉर जनरल कैटेगरी और 33% फॉर ST, ST और OBC। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल वाले लोग हैं जो
उनको दोस्तों 35% यानी 100 में 35 नंबर लाना होगा लगभग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये रहा कि कौन कौन से सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ना होगा उस रिटन एग्जाम के लिए। तो जनरल अवेयरनेस यानी जिसे जीके बोलते हैं वो होगा, 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 25 मार्क्स का रहेगा भी। नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि मैथ से क्वेश्चन रहेगा, 25 क्वेश्चन वही 25 मार्क्स का रहेगा। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व द जो होगा एनालिटिकल एप्टीट्यूड यानी लाइक रीजनिंग जिसे बोलते हैं हम लोग, हैं तो रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चन रहेगा, अभी 25 मिनट में आपको जवाब देना होगा। और नेक्स्ट बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट और इन इंग्लिश और हिंदी, किसी एक में या तो इंग्लिश हो या हिंदी। इंग्लिश कह सकते हैं कि व्याकरण पूछ देगा आपको, व्याकरण पूछ देगा, अंग्रेजी ग्रामर पूछ देगा, जो लीजिएगा चूज करना है। इसमें इंग्लिश चूज कीजिएगा तो आपको इंग्लिश देना होगा, चूज कीजिएगा हिंदी तो हिंदी। ये भी कितना 25 मिनट 25 मार्क्स, टाइम दिया है 2 घंटा, मतलब कि टाइम आपका पूरा पर्याप्त मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें तो आराम से इसको करेक्ट एग्जाम करेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेन जो क्या दोस्तों, मेन दो ही चीज़ें, एक है फिजिकल जो कि दौड़ निकालना है और दूसरा ये है मेडिकल एग्जामिनेशन, ये भी आपका होना बहुत कंपलसरी है। तो सबसे पहले जो आपका होगा क्या होगा, दौड़ होगा, फिर आपका चेस्ट मापा जाएगा कि चेस्ट सही है कि नहीं, उसके बाद आपका एग्जाम होगा रिटेन, तब होगा मेडिकल जो कि थर्ड फेज एग्जामिनेशन है, लास्ट एग्जाम ये है। और इसको आप क्वालिफाई करते हैं, जो इसमें होता है जो भी चीज़ें वो सब आप क्वालिफाई करते हैं, तब आपका बनेगा फाइनल मेरिट लिस्ट और इसके तहत आप होंगे सिलेक्ट होंगे। और कैसे अप्लाई करना है तो यहाँ दिया हुआ है साइट, यहाँ खोलिए और जाकर आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं खुद से भी, और नहीं तो जहाँ भी हो CSE अकेडमी वहाँ पहुँचिए और अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। धन्यवाद। और दोस्तों एक चीज़ बताना था आपको कि यहाँ दे दिया क्लियर कि ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन ऑन BSF साइट, इतना कब से कब है दोस्तों, तो 16/1 से चालू हो चुका है, ये स्टार्ट हो चुका है और लास्ट कब है, 1 मार्च 2022 तक, ठीक है। चलिए धन्यवाद।